राधे कृष्णा फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह का टाइम है तो चाय बना रही हूँ। और ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर अदरक, तुलसी, काली मिर्च और लौंग ली है, जिसका मैं थोड़ा दरदरा सा इसे कूट लूँगी और इसे चाय में डालूँगी, क्योंकि अभी हम लोगों के घर पे सबकी तबीयत ख़राब है और गले में भी काफ़ी दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है। तो इससे क्या होता है, चाय में डाल देंगे ना तो इससे काफ़ी आराम मिल जाता है। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको डाल दिया और 2-3 मिनट और उबाल लूँगी इसको डालकर, और फिर हम लोग ये चाय पियेंगे तो इससे बहुत आराम मिलता है। तो एक बार आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर गले में दर्द है, कफ है, तो काफ़ी राहत मिलती है इससे। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह हमारी बन गई है और मैं मिलती हूँ आपसे चाय वगैरह पीने के बाद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चाय मैंने पी ली है और मैं ऊपर आ गई हूँ साफ़ सफाई के लिए। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था और मेरी तबीयत बीच में ठीक हुई थी, लेकिन फिर मैंने इतना काम वगैरह किया ना तो मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी और काफ़ी सर्दी और फिर से फीवर आ गया था, तो इस वजह से मेरा व्लॉग बिल्कुल नहीं आ रहा था। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी व्लॉगिंग करने की। तो ये मेरा मतलब नवमी के दिन का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो बना के रखा था लेकिन बिल्कुल भी अपलोड करने की इच्छा नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं आज कर रही हूँ। तो बस अभी घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ और बच्चे घर पे नहीं है, दादी के यहाँ गए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अष्टमी नवमी की पूजा होती है ना, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है। तो मैं भी गई थी लेकिन मैं सुबह जल्दी आ गई थी घर पर, तो बस वही घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और बस मैंने मतलब अभी मैंने ना साबूदाने भी कल भिगो दिए थे, तो बिल्कुल बनाए नहीं थे तो वो रखे हुए, तो बस उसकी खिचड़ी वगैरह मेरे को बनानी है, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो ज़्यादा भी नहीं कर रही हूँ, नहीं तो फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी, इस वजह से फिर मैं थोड़ा ही थोड़ा काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सारा घर का काम हो गया है और मैंने नहा लिया है, बस अब मैं जो साबूदाने भिगो के रखे थे ना, तो खिचड़ी बना ली है और बस अभी खिचड़ी खा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए। और फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको शाम को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, कहीं घूमने वगैरह नहीं गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर कितना अच्छा माहौल है, मतलब कितना अच्छा लगता है ना, मतलब इतनी चहल पहल है, इतना अच्छा लगता है। इतने दिनों से मतलब घर में ही थे हम लोग, बीमार पड़े हुए थे, तो बिल्कुल बाहर जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। इतने दिनों के बाद आज मैं देख लीजिए आई हूँ, तो काफ़ी चहल पहल है। और मतलब दोनों घर पे था तो उसको हम लोगों ने दीदी के यहाँ छोड़ दिया है और हम दोनों ही जने इधर देख लीजिए आए हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितना मतलब इतनी अच्छी आवाज़ थी ना इनकी, तो हम लोग भी खड़े होकर सुन रहे थे, काफ़ी मतलब अच्छा लगा। काफ़ी टैलेंट होता है आजकल के बच्चों को, मतलब सोच नहीं सकते, मतलब इतनी अच्छी आवाज़ थी इनकी, तो
इतनी प्यारी आवाज की, मतलब लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे, तो काफी अच्छा लगा। हम लोग भी काफी देर तक रुके, उनके गाने सुने और काफी अच्छा लगा। तो बस अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो अभी हम दीदी के यहाँ जाएंगे और वहाँ से ब्रूनो को लेंगे, फिर घर जाते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, यहाँ पर ब्रूनो घर आ गया और कितनी मस्ती कर रहा है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए व्लॉग लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और हम अगले व्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।